हेलो गाइस, गेमिंग एम्पायर के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वाले वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस में एक नया चीज़ ऐड होने वाला है, मतलब एक नया चीज़ आने वाला है जिसके लिए ऑलमोस्ट एवरीवन, मतलब 100% जो लोग क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हैं तो उनमें से हर एक बंदा शायद इसका इंतजार कर रहा था बहुत दिन से। ठीक है, तो क्या होने वाला है शायद आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ क्वीन के स्किन के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमारा जो किंग है, किंग का यहाँ पे मेरा किंग अभी यहाँ पे देख सकते हो अपग्रेड में, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। पर ये क्या होने, ठीक है मैं यहाँ पे मार देता हूँ। ठीक है, जेम्स मार दिया, तो यहाँ पे देख सकते हो चेंज स्किन, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम लोग स्किन। तो यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अब तक गोल्ड पास नहीं बाय किया है। ठीक है, शायद मैं नेक्स्ट सीजन में करूँगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरा अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है। पर आप लोगों को पता है कि यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही क्वीन का भी नया स्किन आने वाला है। ठीक है, तो आज मैं इस वाले वीडियो पे उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसा कौन सा नया स्किन आने वाला है, कैसा दिखने वाला है। ठीक है, क्या कोई नया एबिलिटी रहेगा, इसके बारे में मैं आज इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चले बिना टाइम गए वीडियो को शुरू कर लेते एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे आज नए हो, मतलब पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो चाहो जगह चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाला जो बेल आइकन है उसको भी दबाना मत भूलना, क्योंकि उसको दबाने से एक फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो, कोई नया इन्फॉर्मेशन के बारे में वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। तो जैसे कि आप लोगों को मैं थोड़ी देर पहले बता दिया कि एक नया स्किन आने वाले, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो किंग का है, किंग का एक स्किन है जिसका नाम है ग्लैडिएटर किंग। ठीक है, तो ठीक वैसे ही क्वीन का भी स्किन आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते नहीं है पर मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे पास दो पिक्चर है। ठीक है, तो पहले वाले जो पिक्चर है यहाँ पे देख सकते हो, तो इसका जो लीक है मुझे बहुत दिन पहले से इसका लीक मिल गया था। ठीक है, पर मैंने इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे शक था कि ये जो वीडियो, मतलब ये जो पिक्चर, ये नहीं होने वाला है क्वीन का नया स्किन। तो जी हाँ, मेरा शक सही था। तो ये वाला जो स्किन है ये नहीं आने वाला है क्लैश ऑफ क्लैंस में, मतलब क्वीन की स्किन ये नहीं होने वाली है। तो नेक्स्ट जो मैं पिक्चर दिखाऊंगा इसमें आप लोग क्वीन की जो स्किन है इसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो बिल्कुल वैसा ही होने वाला है क्वीन का स्किन। देख सकते हो कितना अच्छा होने वाला है देखने में, स्टील, पूरा स्टील का बना हुआ है और इसका नाम भी ग्लैडिएटर क्वीन है। जैसे कि यहाँ पे हमारा किंग का नाम है, किंग का जो स्किन है उसका नाम है ग्लैडिएटर किंग, वैसे ही हमारा क्वीन का जो स्किन होगा उसका नाम भी होगा ग्लैडिएटर क्वीन। ठीक है, तो मेरे पास कुछ और पिक्चर्स है, ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग एक तरफ एक तरफ बारबेरियन किंग की स्किन है और दूसरी तरफ देख सकते हो आर्चर क्वीन की स्किन। ठीक है, तो ऐसे ही होने वाला है इसका स्किन भी। तो आप लोगों को अगर इसका स्क्रीनशॉट मारना है तो अभी आप लोग यहाँ से मार लो। ठीक है, मतलब स्क्रीन के ऊपर से आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो। तो अभी इसके बाद में बात कर लेते हैं हम लोग कि इसका क्या कोई स्पेशल एबिलिटी है, मतलब जैसे कि हमारा जो फ्री फायर होता है, वैसे पबजी में तो ऐसा नहीं होता पर फ्री फायर जो उसमें क्या होता है, जो गन के नए नए स्किन होते हैं ना, तो स्किन का थोड़ा एबिलिटी रहता है कि इसमें ये थोड़ा पावर बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ऐसा ऐसा। तो वैसे ही क्या इसमें भी चेंज होगा, जैसे कि हमारा ग्लैडिएटर किंग है तो इसका तो कोई स्पेशल पावर नहीं है, पर क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने नए नए चीज़ ऐड करते जा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा, आप लोगों को भी ऐसा शायद लगता होगा कि शायद जो क्वीन का नया स्किन आएगा उसमें शायद कोई नया एबिलिटी ऐड होगा। ठीक है, तो मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिला है मैंने उसके मुताबिक मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि क्वीन का जो नया स्किन आएगा उसका कोई भी एक्स्ट्रा एबिलिटी नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब पूरा सुन लो। ठीक है, ठीक से सुन लो कि अभी जो नया स्किन आने वाला है, अब तक जितना भी इन्फॉर्मेशन मिला है तो उसके हिसाब से अभी हमें कोई भी नया मतलब स्किन जो आएगा उसमें कोई भी नया एबिलिटी दिखने को नहीं मिलेगा। पर शायद, मतलब शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो क्लैश ऑफ क्लैंस के कम्युनिटी है, तो वहाँ के जो सुपरसेल और जो बाकी के लोग हैं, शायद वो लोग जो इसका स्किन रहेगा, मतलब जैसे कि हमारे बारबेरियन, मतलब ग्लैडिएटर बारबेरियन किंग का स्किन और ग्लैडिएटर जो क्वीन होने वाला है इसका स्किन, इनमें शायद कुछ नया एबिलिटी भी डाल दे। इससे क्या फ़ायदा होगा, उन लोगों का भी ये फ़ायदा होगा कि इससे बहुत सारे लोग जिन लोगों ने गोल्ड पास नहीं बाय किया, जैसे कि मैंने भी अब तक बाय नहीं किया, तो वो लोग भी गोल्ड पास को बाय करेंगे और इससे क्लैश ऑफ क्लैंस वालों का ही फ़ायदा होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, और साथ में एक और चीज़ हमारा भी फ़ायदा होगा कि अगर जिन लोगों के पास भी गोल्ड पास बाय, मतलब जो लोग भी गोल्ड पास बाय करेंगे
उन लोगों के पास इसका स्पेशल एबिलिटी रहेगा, ठीक है। और इससे एक फ़ायदा होगा कि जब हम लोग अटैक में जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को तो पता है कि क्वीन का जो एबिलिटी है बहुत ही खतरनाक एबिलिटी है क्वीन का, ठीक है, मतलब इनविजिबल हो जाना बहुत ही खतरनाक एबिलिटी है। वैसे ही किंग अगर उसके साथ कोई और नया एबिलिटी ऐड हो जाए तो पता है आप लोगों को कितना ओपी हो जाएगा क्वीन, ठीक है। तो इस वाले जो नेक्स्ट सीजन एंड चैलेंज आने वाला है, अभी भी 3 दिन 15 घंटा बाकी है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट सीजन चैलेंज आने वाला है उसमें ऐड होने वाला है हमारा क्वीन का नया स्किन, ठीक है। तो और उसके बाद वाला जो होगा सीजन एंड चैलेंज, मतलब नेक्स्ट आने वाला है हमारा मई सीजन, और उसके बाद आएगा जून वाला सीजन, ठीक है। तो जून वाला जो सीज़न आएगा उसमें शायद ग्रैंड वार्डन जो है हमारा, ग्रैंड वार्डन मतलब हमारा जो थर्ड है ना, यहाँ पे देख लो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे आर्मी में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ग्रैंड वार्डन है, तो ग्रैंड वार्डन जो है हमारा नंबर 3 हीरो है, मतलब जो हमारा आखिरी हीरो रहता है जो टाउनल 11 में अनलॉक होता है, तो उसका भी शायद कोई नया स्किन मिल जाए हमें। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा किंग का स्किन आया उसका नाम है ग्लैडिएटर किंग, और जो क्वीन का स्किन आएगा उसका नाम है ग्लैडिएटर क्वीन। तो शायद उसका भी जो वार्डन का स्किन आएगा उसका भी शायद नाम हो जाए ग्लैडिएटर वार्डन, ठीक है। तो ये तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। तो अगर मुझे कोई भी नया लीक मिल जाए या फिर नया कुछ डिटेल्स मिल जाए तो मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बहुत मेहनत होती है एक एक डिटेल्स को ढूंढने में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए आए तो जाओ जाकर सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।